नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज 21 जनवरी को फोर्सिट का भी FCAG 3 का एग्जाम दोस्तों आपका समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 21 जनवरी फोर्सिट में पूछे गए 25 GK GS के प्रश्न, 25 में से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न देखने को मिल रहा है वो पूछा गया था सौर मंडल में पृथ्वी का नंबर कितने नंबर पर आता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है और शुक्र और बुध के बीच में है। इसके अलावा पृथ्वी सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। तो यही दोस्तों आपसे पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों सूर्य से दूरी के अनुसार आपके जो ग्रह के नाम है वही दोस्तों आपका सूर्य से दूरी के अनुसार आपका पृथ्वी तीसरा नंबर पर आता है लेकिन सबसे बड़ा पांचवा है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा सूर्य से दूरी के अनुसार आपका पहले बुध, शुक्र, इसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून आता है। ये भी प्रश्न बनता है दोस्तों कि पृथ्वी कौन कौन से ग्रह के बीच में है। तो मंगल और शुक्र ग्रह के बीच में दोस्तों आपका पृथ्वी होता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, नासिक के त्र्यंबकेश्वर से कौन सी नदी निकलती है। तो दोस्तों त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में त्र्यंबक गाँव में है। यहाँ के निकटवर्ती ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका गोदावरी राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा गया था QR कोड। आप लोग जब भी शॉपिंग करने जाते होंगे तो पेमेंट करना होता होगा दोस्तों, तो QR कोड आपको दिखता होगा, लेकिन बहुत से लोग इसका फुल फॉर्म नहीं जानते थे। तो आज एग्जाम में पूछा गया था कि QR कोड में R का मतलब क्या होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका रिस्पांस हो जाएगा। QR का जो फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये देखने में स्क्वायर बार कोड की तरह ही है, जिसे सबसे पहले जापान में डेवलप किया गया था। ये दिखने में ट्रेडिशनल UPC बार कोड से बिल्कुल है, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइंस की तरह है। तो ये दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है QR कहाँ से सबसे पहले विकसित किया गया था, जापान में राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग QR कोड को देखे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, प्रसिद्ध फुटबॉलर खिलाड़ी पेले किस देश का खिलाड़ी था। तो दोस्तों आपको बता दें कि पेले, जो कि दोस्तों आपका पूरा नाम यहाँ पर देख भी सकते हैं, एडिसन एडसन आइटेंस डो नॉस नेसिमेंटो के भी आए, किनका जन्म आपका 23 अक्टूबर 1940 को और मृत्यु 19 दिसंबर 2022 को हुआ था। इनका लोकप्रिय नाम आपका पेले था। इसके अलावा दोस्तों किस देश के खिलाड़ी थे, तो ये दोस्तों एक अवकाश प्राप्त ब्राज़ील फुटबॉल खिलाड़ी थे और फुटबॉल के विशेषज्ञों और पूर्व खिलाड़ियों के द्वारा सर्वकालीन महान फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। तो आपका राइट आंसर ब्राज़ील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों संविधान के बारे में, कि संविधान किस वर्ष लागू हुआ था या कब से लागू हुआ था। तो दोस्तों आपको बता दें कि संविधान, यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है और जिसे संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया था, जो कि 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त हुआ था। तो लागू आपसे पूछा गया था, तो लागू दोस्तों आपका 1950, 26 जनवरी राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन बन के तैयार दोस्तों आपका हो गया था 26 नवंबर 1949 को। हो सकता था कि 27 नवंबर को आपको लागू भी कर दिया था, लेकिन 26 जनवरी को दोस्तों इसलिए आपको संविधान को लागू किया गया था क्योंकि दोस्तों 1929 के लाहौर अधिवेशन में आपके जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो दोस्तों आपका गणतंत्र दिवस जो आपके मनाना शुरू किए थे, वे आपका दोस्तों आपका 26 जनवरी को ही मनाना शुरू किए थे। तो ये दिवस को दोस्तों आपका लोकप्रिय बनाने के लिए इसी दिन आपका संविधान को लागू करने का निर्णय लिया गया था। तो 26 जनवरी 1950 राइट आंसर हो जाएगा। अभी कुछ ही दिन बाद, 5-6 दिन बाद 26 जनवरी आपका आने वाला है, जो मैं दोस्तों आपका रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हम लोग करते हैं। उस समय जो आपके लाल किला पे झंडा कौन फहराते हैं या झंडा कौन फहराते हैं, तो दोस्तों आपका राष्ट्रपति लाल किला गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराते हैं और इंडिपेंडेंस स्वतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। इसके अलावा राज्यों में आपके गणतंत्र दिवस पर आपके राज्यपाल और आपके स्वतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं, इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था या कब हुआ था, ये पूछा गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों आपका 1 सितंबर 1949 से 2 सितंबर 1945 तक चला था। ये दोस्तों आपका जर्मनी का जो पोलैंड पे आक्रमण हुआ था 1 सितंबर को, उसी समय से आपका द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था और 2 सितंबर 1945 तक या जर्मनी के जो हिटलर हैं मरने तक आपका चला था। ये धुरी राष्ट्र जैसे कि जर्मनी,
इटली और जापान और मित्र राष्ट्र फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन के बीच लड़ा गया था। ये धुरी और मित्र राष्ट्रों के बीच लड़ा गया एक युद्ध था जो कि दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता था। धुरी राष्ट्र में ये सभी देश थे, मित्र राष्ट्र में ये सभी देश थे। इसके अलावा पहला जो विश्व युद्ध है वो दोस्तों आपका 1914 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, अटल जो टनल है वो कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर हिमाचल प्रदेश में भारत में लेह मनाली राजमार्ग पर हिमाचल के पूर्वी पीर पंजाल रेंज में रोहतांग दर्रे के नीचे बनाए गए एक राजमार्ग सुरंग है जिसकी लंबाई आपका 9 किलोमीटर है। ये दुनिया भर में 10,000 फीट यानी कि 3,048 फीट से ऊपर की सबसे लंबी राजमार्ग एकल ट्यूब सुरंग है। तो आपका हिमाचल प्रदेश 100% राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था गैल्वेनोमीटर के बारे में कि गैल्वेनोमीटर है किस साइंटिस्ट के नाम पर इसका नामकरण हुआ है, तो दोस्तों आपको बता दें कि गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रवाह के लिए एक विद्युत यांत्रिक माप उपकरण है। शुरुआती गैल्वेनोमीटर अनकैलिब्रेट किए गए थे लेकिन उन्नत संस्करण जिन्हें एमीटर कहा जाता है को कैलिब्रेट किया गया था। वर्तमान के प्रवाह को अधिक सटीक रूप से माप सकता है, ये गैल्वेनोमीटर का कार्य है। लेकिन आपसे क्वेश्चन दूसरा पूछा गया था, इसके अलावा गैल्वेनोमीटर में अवलोकन से आया है पहली बार 1820 में हैंस क्रिश्चियन के द्वारा नोट किया गया था। एक चुंबकीय कंपास की सुई विद्युत प्रभाव वाले तार के पास होने पर विक्षेपित होती है। वे पहले उपकरण थे जिनका उपयोग कम मात्रा में करंट का पता लगाने और मापन के लिए किया जाता था। आंद्रे मेरी एम्पियर जिन्होंने आस्ट्रेट की खोज को गणितीय अभिव्यक्ति दी थी, उपकरण का नाम इतावली बिजली शोधकर्ता लुई गैल्वानी के नाम पर रखा गया है। तो ये देखिए आपका राइट आंसर मिल गया, लुई गी गैल्वानी के नाम पर रखा गया जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा जिन्होंने 1791 में मेढक गैल्वेनोस्कोप के सिद्धांत की खोज किया था कि विद्युत प्रवाह का एक मित्र मेढक के पैरों को झटका दे सकता है, तो आपका लुई गैल्वानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था फतेहपुर सीकरी है जो कि किसके द्वारा बनवाया गया था, तो आपको बता दें अतुल्य भारत का जो सपना है वो शाह अकबर ने 1572-1785 के बीच फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। इसे लाल पत्थरों का इस्तेमाल करके बनवाया गया था, तो आपका राइट आंसर बादशाह अकबर हो जाएगा। 1572-1585 के बीच यह फतेहपुर सीकरी को बनवाया गया था, यह शायद आपका आगरा में स्थित है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था जनवरी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में सोलर पावर का डिजिटल प्ररूप प्रस्तुत किया है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, आपके मालूम होगा द्रौपदी मुर्मू जो कि आपके वर्तमान में 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, वह आपका जनवरी में सोलर जो पावर का डिजिटल प्ररूप है वो आपका राजस्थान में प्रस्तुत है जो कि किया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था मणिपुर की राजधानी कहाँ है, तो मणिपुर की राजधानी दोस्तों आपका इम्फाल 100% राइट आंसर हो जाएगा। इम्फाल नदी पर कंगला किला कभी स्थानीय शासकों का निवास स्थान था लेकिन अब इसे केवल अवशेष बचे हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों अंबेडकर लाइफ पुस्तक किसने लिखा है, तो दोस्तों आपको बता दें अंबेडकर लाइफ शशि थरूर के द्वारा लिखित भीमराव रामजी अंबेडकर की जीवनी है, तो आपका राइट आंसर शशि थरूर हो जाएगा। शशि थरूर जो कि दोस्तों आपके कांग्रेस का जो चुनाव हुआ था अध्यक्ष पद के लिए, उसमें शशि थरूर और जो मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा चला था। हालांकि मल्लिका अर्जुन कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में विजयी हुए थे, वह अभी वर्तमान में वही हैं। यह पुस्तक अम्बेडकर की जीवन यात्रा दलितों को कलंकित करने वाले समाज में उन बाधाओं को दूर करने के लिए, अस्पृश्यता को अवैध बनाने के लिए उनकी लड़ाई की अंतर्दृष्टि देती है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था पीएम निधि योजना का मिनिमम चार्ज कितना होता है, तो देख लीजिए देश की जो केंद्र सरकार की ओर से किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूती देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत किया गया था। इस योजना के तहत हर किसानों को हर साल 6,000 रुपये की राशि दी जाती है, तो आपका 6,000 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह 6,000 रुपये 3 समान किस्तों में दिया जाता है। हर चौथे महीने में किसान के खाते में 2,000 रुपये की किस्त आती है। ऐसा माना जा रहा है कि न्यू ईयर के मौके पर केंद्र सरकार ने किसानों को 13वीं किस्त जारी कर सकती है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इसकी कोई भी बात नहीं हुई है, तो आपका 6,000 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका कि एकल कोशिका कौन सी है, इस चार ऑप्शन दिया गया था, तो दोस्तों आपको बता दें एकल कोशिका जो प्रोटीन होता है सवाल या एलगी, फुफुंद या कवक, खमीर या ईस्ट एवं जीवाणु, एकल कोशी जीव सूक्ष्म जीव है, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आपका होगा जो कि राइट आंसर हो जाएगा। जिनमें प्राय प्रोटीन का उपयोग मानव आहार और पशु आहार के रूप में किया जा सकता है, परंतु इन जीवों को अविशेला होना आवश्यक है। इन्हें प्रचलित रूप से भी
एसीपीआ या सिंगल सेल प्रोटीन कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट डिस्पेच वुड डिस्पेच 1854 का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका शिक्षा हो जाएगा। 1854 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड ने भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक औपचारिक प्रेषण भेजा था जिसमें भारत के भीतर अंग्रेजी भाषा के उपयोग में बड़े बदलाव का सुझाव दिया गया था। सर चार्ल्स ने सिफारिश भी किया था कि प्राथमिक विद्यालयों में स्थानीय भाषाओं को अपनाया जाए, उच्च विद्यालयों में एंग्लो वर्नाकुलर भाषा को अपनाया जाए और कॉलेज में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो। इस विज्ञापित को अनौपचारिक रूप से वुड डिस्पेच के रूप में माना जाता है। तो आपका शिक्षा 100% राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। एक क्वेश्चन देखिए दिया गया था वर्तमान में कपड़ा मंत्री कौन है, तो भारत सरकार के कपड़ा मंत्री का नाम आपको बता दें स्मृति जुबिन ईरानी है, तो राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा स्मृति जुबिन ईरानी एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री, महिला राजनीतिज्ञ और भारत सरकार के अंतर्गत कपड़ा मंत्री हैं। इससे पूर्व वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय रह चुके हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट भेजे थे वो शायद पीयूष गोयल लगा के आए हैं, तो ये दोस्तों आपका गलत है, आपका स्मृति ईरानी राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा रेलवे स्टेशन को 5-स्टार रेटिंग दिया गया है, तो आपको बता दें दोस्तों वाराणसी जो कैंट रेलवे स्टेशन है, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को FSSAI के द्वारा 5-स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ इट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को FSSAI के द्वारा 5-स्टार रेटिंग का सर्टिफिकेट मिला है, तो राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था सार्वजनिक उपयोग में लेने योग्य कौन सी है, तो आपके चार ऑप्शन दिया गया था, हालांकि ये ऑप्शन बेस्ड है, तो जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं ऑप्शन आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था PMDOA कब बना था, तो ये नवंबर 2015 को आरंभ हुआ था जिसके तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की घाटे में चल रही विद्युत वितरण कंपनियों को घाटे से उबारने और उनकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने का कार्य किया जा रहा है, तो आपका 2015 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि क्रॉप्स को बढ़िया करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है, तो ये योजना कब का पूछा गया था, इसका कोई डेट अभी तक मालूम नहीं चल पाया है। अगर जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को पूरा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या पूछा गया था। एक दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था माचिस की तिल्ली पर किसका लेपन होता है, तो माचिस की तिल्ली की सतह में लाल फास्फोरस होता है, माचिस की तिल्ली के ऊपर पोटेशियम क्लोरेट होता है, माचिस की तिल्ली में एंटिमनी सल्फाइड और सल्फर पोटेशियम क्लोरेट जैसे रसायन मौजूद होते हैं। सेफ्टी माचिस का शीर्ष एक ऑक्सीकरण घटक जैसे पोटेशियम क्लोरेट से बना होता है जिसे सल्फर फिलर्स और ग्लास पाउडर होता है, तो आप लोग देखिएगा क्या होगा, लाल फास्फोरस मेरे ख्याल से आपका राइट आंसर होना चाहिए। चलिए दोस्तों ये आपके पास रहा फोर्थ शिफ्ट का, जो कि दोस्तों अधिकतम सभी प्रश्न आपके मिल गए हैं, तो जो भी एक दो प्रश्न और छूट गए उनको आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। बाकी बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, क्योंकि FSSAI 3 से जुड़ी हर पर अपडेट आपको यहीं पर मिलने वाली है। और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ट्रिप के वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।